तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर कोरोना वायरस को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कोरोना के समय में भी कांग्रेस राजनीति करने से बाज नहीं आ रही। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी का उदाहरण है। जावड़ेकर ने कहा कि जब लॉकडाउन लगा तभी भी कांग्रेस ने इसका विरोध किया, अब जब इसमें छूट दी जा रही है तभी भी वो उसका विरोध कर रही है। तो मैं उन्हें समझाना चाहता हूं, जब लॉकडाउन लगा था तब 3 दिन में संक्रमण की संख्या डबल हो रही थी, अब 13 दिन में ये संख्या डबल हो रही है, यही भारत की फिलहाल सबसे बड़ी सफलता है। कोरोना के महामारी के आपदा के सामने लड़ रहा है कांग्रेस, ऐसे समय भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। आज की राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी का उदाहरण है और बयान भी जो दिया वो भी गलत था। मैं उनको समझाना चाहता हूं कि जब लॉकडाउन लगा तब 3 दिन में संक्रमण की संख्या डबल हो रही थी, आज ये दर कम होकर 13 दिन लगते हैं डबल होने के लिए। यह भारत की सफलता है, सबकी सफलता है। और मुझे आश्चर्य होता है जब लॉकडाउन लगा तब कांग्रेस ने हाय तोबा मचाया कि लॉकडाउन क्यों लगाया, पूरे देश भर में क्यों लगाया, अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। यानी जब लगा तो भी विरोध किया, अब अगर उठ रहा है तो उसका भी विरोध करेंगे। तो ये जो कांग्रेस की नीति है ये दोगलापन है।